नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर बाज़ में। आज हम लोग बात करने वाले हैं श्रेष्ठा फिनवेस्ट लिमिटेड की, जहां बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। यहां पर आप देख पा रहे हैं 23 जुलाई का अपडेट है और इस खबर के चलते यहां पर आपको अपर सर्किट भी आज आपको लगातार देखने को मिल रहा है स्टॉक में। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो मीटिंग होना था वो यहाँ पर आउटकम उसका आ चुका है और यहाँ पर जो राइट इशू के जो शेयर्स हैं उनको यहाँ पर अलॉटमेंट का अप्रूवल मिल गया है। तो क्या कुछ न्यूज़ है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और लास्ट में हम लोग चार्ट भी देखेंगे। अच्छा खासा रनअप कर चुका है, 3 महीने में ही आपकी कैपिटल को इसने ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। तो अभी और इसमें कितनी संभावनाएं हैं और किस रेट पे क्या अलॉटमेंट हुआ है, सब पे चर्चा करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस वीडियो को प्लीज़ अंत तक जरूर देखिएगा, नहीं तो कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस कर बैठेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल लगा है, आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसी नाम से एक्जैक्टली सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मैं कोई टिप वगैरह नहीं देता हूँ, ना ही मैं टिप पर विश्वास रखता हूँ, और आपको भी यही सलाह देता हूँ कि बच के रहिए, नहीं तो आप अपनी कैपिटल को गंवा बैठेंगे और कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह मैं डालता रहता हूँ, जैसे अभी बजट से रिलेटेड जो चीज़ें आई थी वो सब मैंने थोड़ी बहुत डाली थी, है ना। बाकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपने वीडियोस के लिंक वगैरह शेयर करते रहता हूँ, आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, है ना गाइस। तो यहाँ पर आप गाइस देख सकते हैं, यहाँ पर 2 रुपये के रेट पर यहाँ पर 24 करोड़ नंबर ऑफ़ शेयर जो हैं वो राइट ऑफ इक्विटी शेयर जो हैं इशू किए गए हैं राइट इशू के द्वारा। तो जो टोटल वैल्यू है वो लगभग 48 करोड़ हो गई है, है ना गाइस। आप लोग इस चैनल को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, अच्छा लगे तो ना इसे एक प्रोत्साहन मिलता है। तो चलिए खैर आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 रुपये के रेट से लगभग 24 करोड़ शेयर जो हैं वो इशू करे गए हैं और 48 करोड़ रुपये इनकी वैल्यू है। और ये न्यूज़ आप देख पा रहे हैं 23 जुलाई की आई है, काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। लेकिन अगर आप इसके लिए न्यूज़ देख के लेने चले जाएंगे तो बहुत बुरा फंस सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ESM की स्टेज 1 में है, ठीक है। अभी आपको 2.38 रुपये पर देखने को मिला और अपर सर्किट लगा हुआ जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ। ESM की स्टेज 1 में होने का मतलब क्या है, मार्केट कैप इसका 500 करोड़ से कम है ना। और दूसरी चीज़ क्या है कि एक बार ESM की स्टेज 2 में अगर ये आया तो फिर वहाँ पर इसमें पीरियोडिक कॉल ऑप्शन शुरू हो जाएगा, जहाँ से शेयर को बेच पाना बेचकर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वहाँ पर हर घंटे आपको ऑर्डर लगाने होते हैं। मैंने इस पर बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप YouTube पे डालेंगे ESM क्या होता है, मेरा वीडियो आपको टॉप पे मिल जाएगा। यहाँ पर अपर प्राइस बैंड और लोअर प्राइस बैंड आपको 5-5% देखने को फिलहाल मिल रहा है। अब देखिए, जैसा मैंने बताया था मार्केट कैप बहुत छोटा है, 194 करोड़ का है, तो यहाँ पर ईजिली इसको ऑपरेटर्स ऑपरेट कर सकते हैं। ROC की बात करेंगे 4.18 बहुत ख़राब, ROE की बात करेंगे 1.77 बहुत ही ख़राब। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर आपको 0 देखने को मिल रही है। डेट देखिए 49.7 करोड़ का है, जो कि डेट टू इक्विटी बनाता है 0.37, 1 से कम है, चल सकता है। इंटेंसिक वैल्यू देखिए 84 पैसे के आसपास है, वहाँ से देखिए कितना महंगा है। बुक वैल्यू देखिए 1.65 रुपये, वहाँ से महंगा देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री का PE आपको 24.9 देखने को मिल रहा है, स्टॉक का PE आपको 112 देखने को मिल रहा है, तो इसके हिसाब से भी आपको महंगा देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली नंबर्स की बात करें गाइस, अभी जून के नंबर्स नहीं है। सेल्स देखिए यहाँ से कितनी तगड़ी जंप आपको देखने को मिली थी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आप देखेंगे तो बम्पर जंप देखने को मिली थी, मतलब यहाँ से तो अच्छी खासी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करेंगे गाइस, सारी वैल्यू करोड़ में है ना। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे देखिए 5.06 करोड़ था, जो कि यहाँ पर लॉस था 4.61 करोड़ का, तो वहाँ से भी जंप तगड़ा, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे तो वहाँ से भी आपको तगड़ा जंप देखने को मिला, और इसी के चलते अच्छा खासा भाग भी चुका है। यहाँ पर गाइस देखिए, सबसे ज़्यादा रिस्क की बात जो है वो 100% पब्लिक है, ना FII है, ना DII है, ना प्रमोटर्स हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बचा हुआ जो मामला है, मतलब जो नीचे आप देख पा रहे हैं नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं। तो मैं हमेशा आपको अपने वीडियो में बताता हूँ, जितनी ज़्यादा पब्लिक उतना ज़्यादा मामला रिस्की होता है, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए। रिटर्न की बात करेंगे तो देखिए 3 महीने में आपकी कैपिटल को डबल कर दिया, 6 महीने में 85, 1 साल में 110, 2 साल में 80, 3 साल में 4.9, तो मासिव रिटर्न यहाँ पर इसमें दे रखे हैं। वहीं बात करें हम लोग डिलीवरी की वॉल्यूम की, तो जब तक मैं वीडियो बना रहा था तब तक 3 करोड़ का वॉल्यूम इसने जनरेट किया है। कल की बात करेंगे 1 करोड़, 1 वीक का एवरेज 90 लाख, 1 मंथ का एवरेज 74 लाख। तो वॉल्यूम में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, प्राइस में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो अभी आगे और इसमें भागने की संभावनाएँ हो सकती हैं। यहाँ से आप देखेंगे एक अच्छी खासी गिरावट, उसके बाद अच्छा खासा कंसोलिडेशन वाला टाइम देखने को मिला, और ये वाला लेवल जैसे ही 1.5 रुपये का लेवल टूटता है आपको अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलता है, और उसके बाद आपको पता है 2 रुपये पर ही शेयर जो है अलॉट किए गए हैं, तो यहाँ से 2 रुपये इतने रिटच किया और फिर से आपको अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। RSI की बात करेंगे तो 65.90 आपको मजबूत देखने को फिलहाल मिलता है, और जिस तरीके से चल रहा हो सकता है आपको 3 रुपये के लेवल भी देखने को मिल जाए। लेकिन गाइज ये मेरे पर्सनल व्यूज होते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछे बगैर कतई नहीं करेंगे। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से ही सलाह लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।